सो हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमारी ये आज की जो इंटरेक्शन है इसमें हम बात करने वाले हैं आप देख सकते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन राइट तो एक नया चैप्टर एक नए सेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं और देखो इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊँ ना तो एक चीज आपको ये क्या है? स्टार्टिंग में शुभ हुआ था अगर मैं आपको बताऊँ इस चैप्टर के बारे में तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यार ये चैप्टर जो है ना वैसे तो बहुत लेंदी है मगर साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है ठीक है तो मतलब हमारे बायो में जो चैप्टर्स लेंदी होते हैं ना वो अक्सर हमें लगता है कि यार बोरिंग चैप्टर्स होंगे तो ये लेंदी होने के साथ साथ ना इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है बिकॉज आप नाम देख पा रहे हो इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो इसमें हम सभी लिविंग थिंग्स की बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ लिविंग है क्या चीज़ नॉन लिविंग है लिविंग है तो आप उसे कैसे पहचानोगे कि भाई ये चीज़ लिविंग है ठीक है आप रास्ते से जा रहे हो ठीक है अब रास्ते से तुम जा रहे हो और तुम्हें रास्ते में कोई मिल गया कौन मिल गया सर <laughs> कोई मिल गया कौन मिला लेकिन तुम्हें मिल गया आ, कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो सींग है चार पैर हैं तो तुम उसे लिविंग तो तुमने कंसिडर कर लिया लेकिन उस लिविंग को आप कैसे बताओगे कि वो एक बैक्टीरिया है एक प्रोटेस्टा है या एक एनिमल है एक प्लांट है कैसे बताओगे आप उसे तो वही सारी बातें हमें इस सेशन के अंदर जाननी है मतलब इस चैप्टर के अंदर जाननी है बेसिकली ठीक है और कैन यू सी हेयर कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपकी डाइवर्सिटीज़ मैंने यहाँ पे लगाई है है ना कैन यू सी दिस वी हैव रुकोन हेयर दिस इज फ्लैमिंगो राइट दिस इज वन ऑफ काफ़ी एक्सटेंट हो चुके हैं ये कुछ कुछ इनमें से ठीक है फ्लैमिंगो हो गए क्रोकोडाइल पेंगुइन कितना क्यूट है पेंगुइन है ना और यू नो पेंगुइन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये इंटरेस्टिंग बात है आप सर्च करना इसके बारे में ठीक है पैंगविन के बहुत से फैक्ट्स हैं नेक्स्ट यू कैन सी स्नेल्स देयर है Next, uh, there, ना आपके जीवरा हो गए हेपोटमस हो गए ओके क्योंकि सारी चिम्बेंजीज गोरिल्ला वगैरह हो गए यू नो वट डू वी कॉल दिस एंड दे आर नॉट गोरि इनका नाम कुछ और है आप मुझे कमेंट कीजिए क्या नाम है इनका है ना और यहाँ पे आपके पास अलग कई सारी वैरायटी में हमें पता भी नहीं है नाम क्या है इनके है ना बहुत सारी वैरायटीज हैं और इवन ऐसी कुछ कुछ एक्वेटिक लाइफ अगर आप एकटिक लाइफ मतलब आप मैराइन लाइफ में जान चाहते हो तो आपको बहुत ही यू नो एडवेंचरस लाइफ है वो तो वहाँ के भी कुछ आपको ऑर्गेनिज्म यहाँ दिख रहे होंगे है ना ये लेपर्ड हो गया आपका स्नेक्स हो गए है ना वी हैव फ्लेमिंगो हेयर ठीक है और पिकॉक कितनी कितनी ब्यूटीफुल वैराइटीज हमारे आसपास है तो इसी डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी डाइवर्सिटीज हमारे आसपास प्रेजेंट है और कितनी सारी है ये भी हमें बात करनी है बट आज का ये जो सेशन है हमारा इसको प्रॉपर्ली हम डेडिकेट कर रहे हैं किसके ऊपर हम इसे डेडिकेट कर रहे हैं नॉमन क्लेचर में ठीक है नॉमन क्लेचर मतलब नामकरण भाई क्या नाम रखेंगे उसका नाम चिंटू रखें पिंटू रखें मोन्टू रखें रामलाल रखें क्या नाम रखें उसका तो वो नाम हमें जानना है कि आप कैसे भी किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हो

राइट बहुत से सेशन हम ले चुके हैं कवर अप कर चुके हैं हमारे सिलेबस को और हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं ठीक है आपकी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ यहां पर नहीं होती है ना क्लासेस आप जानते हैं कि आपकी क्लासेस जो है यूट्यूब पर तो आपके चल ही रही है साथ ही साथ आपकी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी क्लासेज होती है है ना पोर्टल भी पोर्टल पर भी क्लासेज होती हैं एक होती है स्पेशल क्लासेस एक होती है यू, आपकी प्लस कोर्सेस तो अगर आपको सारे कोर्स पूरा कोर्स जो आपके सिलेबस का आपको डेप्थ एकदम डेप्थ में स्टडी करना है हम सभी एडुकेटर्स के साथ एक नहीं दो नहीं तीन नहीं काफ़ी एडुकेटर्स हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलिस्ट होगा वो आपको करा रहा होगा उस चैप्टर को ठीक है तो आप प्लस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं है ना प्लस बैचेस को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं कुछ कोर्सेज आपके चल रहे हैं समय में ठीक है यू कैन यूज माई कोर्ट देअर दैट इज लक्ष्य जी लाइफ ओके दिस इज द कोर्ट नेक्स्ट इज दीज आर माई टेलीग्राम चैनल्स इसको आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे ठीक है तो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं श्रेष्ठा इज इेष्ठा गुड आफ्टरनून कैसे हो तुम तो वेल well, आज एक्साइटेड हो आपके चालू करने वाले हूँ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ले चैप्टर है लेकिन बहुत ही मजेदार चैप्टर है काफी नई नई इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ ठीक है और आज का टॉपिक तो है नॉमन क्लचर जो तो मैं हमेशा ऐसे फटशान करते हैं कि सर क्या ये <laughs> कौन था वो साइंटिस्ट मुझे बताओ <laughs> कौन था जिसने इस नॉमन क्लचर को दिया मुझे बताओ दो एक बार नाम उसका है ना ऐसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं मेरे से इवन एक बच्चा मेरे से पूछता है कि सर ये जो जिन्होंने आर डी शर्मा बुक बनाई है मैथ्स की है ना जिसने आर एस अग्रवाल बनाई है ये ये कौन है मन का नाम तुम बोल रहे हो वही नाम है उसके तो आर एस अग्रवाल ने बनाई है है ना महान गुरुजी हैं वो भी ठीक है तो उन्होंने बनाई है तो वो हमें कभी दिखते क्यों नहीं है <laughs> वो हमें कभी दिखते क्यों नहीं है <laughs> तो यार मैं सोच ही रहा था कि हमें कभी दिखे ही नहीं मैं उनसे कभी मिला नहीं है ऐसा क्यों क्या तुम्हें तो पता है क्यों नहीं दिखते हमें तो वेल यहाँ पे आते हैं हम वापस से तो आपकी यहाँ सेशन्स की कुछ टेलीग्राम की लिंक है पहली वाली जो है ये पर्सनल चैनल है जिसमें आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे दूसरी जो लिंक है वो है टेलीग्राम की लिंक जिसमें आपको सारी ऑफिशियल अपडेट्स मिलती रहेंगी आपके सेशंस की ठीक है जो भी आपके सेशंस चल रहे होंगे टाइमिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है और Secondly, यार आपके कुछ बेनिफिट्स हैं आपके अन अकेडमी के और साथ में अब हम आते हैं आपके सेशन की तरफ क्या आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम स्टार्टिंग करने वाले हैं इस पांच किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ है ना कौन सा आपके पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है और हम इसमें पढ़ेंगे मैं आपको एक माइंड मैप दिखाता हूँ हमें पढ़ना कैसे है इस चैप्टर को आर यू ऑलरेडी एक बार हम माइंड मैप देखते हैं कि हमें किस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है तो एक माइंड मैप देखते हैं ठीक है ये आपकी कितनी ब्यूटीफुल मैं डाइवर्सिटी यहाँ पे दिखा रखी है ना काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म है इसमें आपको कोई नया लगे ना कि कोई नया सा है जिसका आपको नाम नहीं पता मुझे बताना ज़रूर ठीक है अगर आपको इनसे लाइन से इनके नाम पता तो मुझे कमेंट करना प्लीज़ ठीक है मुझे इसका नाम नहीं पता ये तो कमेलियन है ये तो हो गया मुझे इसका नाम नहीं पता डोडो है ये ना? -डो है ना डोडो है ना शायद ये डोडो और और किसका नाम नहीं पता आ -आ -आ. ये फ्लैमेंगो है ये डोडो है है ना मोस्टली का इसका नाम नहीं पता इसका नाम बताओ मुझे इसका नाम बताओ मुझे कमेंट करो देखो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है या मैंने फंगस भी रखे हैं या मैंने प्लांट भी रखे हैं और ये कोई ये बताओ एक प्लांट है क्या है ये एक एल्गी है या एक प्लांट है इसके पास रूट्स तो है नहीं इसके पास फ्लावर्स तो है नहीं तो क्या है ये है ना तो ऐसे इसका नाम बताना मुझे तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक माइंड मैप दिखाता हूँ बेसिकली में इस चैप्टर को पढ़ना किस तरीके से तो एक माइंड मैप से हम शुरू करते हैं मोनेरा प्रोटिस्टा फंगय प्लांटाए एनिमिल बिल्कुल सही कहा आपने पांच किंगडम की हम बात करने वाले हैं श्रेयांश चलो कार्डलेस लीनियस ने दिया था <laughs> कोई है सर जो सोचता है कि ये कार्ड लीनियस मुझे एक बार मिल जाए माँ कसम छोड़ूंगा नहीं इस बो मैं <laughs> ए, ऐसा कोई सोचता है क्या मेरे वा में ऐसे थॉट आ गई मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था ना मैं कहा इतने गंदे गंदे नाम देने की जरूरत क्या थी सिंपल से नाम देते मोन्टू चिंटू पिंटू कितने अच्छे अच्छे नाम है ये है ना ये पता नहीं कौन कौन से नाम दे देते हैं फिकस रिलीजियोसा ये नाम है हमारे पीपल के पेड़ का है ना एक एक फ्लाई होती है उसका नाम है पैरास्ट्रेटिटा पता नहीं क्या नाम है चलो तो हम बात करेंगे इन सब आ, नामों के बारे में भी ठीक है पर हाँ इनकी नीड भी थी बहुत ज़्यादा तो इसलिए ये नाम दिए गए हैं आगे देखते हैं हम तो इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक हम बात करने वाले हैं नीड फॉर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या थी क्लासिफिकेशन की और इसकी उसका बेसिस क्या है कैसे आप क्लासिफाई करते हो क्या आपको नीड है क्लासिफिकेशन की है ना तो इसकी नीड हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम जानेंगे यार किस तरह की हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसमें कितनी देखो नाम से ही समझ में आ रहा है बायो मतलब कोई चीज़ लिविंग, मतलब कोई तो चीज लिविंग लिविंग डाइवर्सिटी तो थिंग्स की कितनी है वही तो होता है बायोडाइवर्सिटी तो उसकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इज योर है ना टेक्सोनॉमी कौन सी ब्रांच है इसकी हम बात करेंगे नॉमन क्लेचर आज हम पढ़ने वाले हैं हेरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें आप बात करने वाले हो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस ये सारी आप सीक्वेंस में याद करोगे ठीक है क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन इस पर ज़्यादा हम कमेंट नहीं करने वाले सेकेंड जो टॉपिक आपका आएगा वो आएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरीके से कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना ट्राई किया था अपना अपना क्लासिफिकेशन को देने का ठीक है तो उसकी हम बात करने वाले हैं तो सीक्वेंस में हम साइंटिस्ट के नाम जानेंगे ठीक है हालांकि मेजर नाम जो आप लाइक श्रेयांश ने लिखा था वो था आपके पास कार्ड लेनियस राइट बट आप जानने वाले हो कार्ड लिनियस हो गया एरिस्टॉटल ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था इस क्लासिफिकेशन के ऊपर है ना आर एच विटेकर जो हम अभी फॉलो करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऐसी अर्नेस्ट हैकल भी आए थे है ना कॉपलैंड साहब भी आए थे और कार्ड लूज भैया जो अभी हमारे पास है इस समय में जिन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है वो सारी बातें हम करने वाले हैं तीसरा टॉपिक होगा आपका मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगस के बारे में फिर हम ऐसे ही आगे 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 बढ़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा प्लांट मिलेगा और प्लांट के बाद लास्ट में हमारी मंजिल क्या होगी वो होगा किंगडम एनिमेलिया को पढ़ना तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं क्या आप सब रेडी हैं करें शुरू सेशन को तो बढ़ते हैं फिर आगे और सबसे पहले प्रणाम इन भैया जी को कौन है कार्ड कार्डलिनियस ठीक है ये है कार्ड कार्डलिनियस इनका कृपया अपने घर में एक फोटो लगा लें ठीक है ऐसे मालापना के मस्त सी फोटो लगा लें बड़ी सी है ना बैनर में ओके तो ये बहुत ही महान साइंटिस्ट है इन्होंने हमारी बहुत मदद की है बायोलॉजी के अंदर है ना थोड़ी सी आपकी परेशानी बढ़ाई ज़रूर है लेकिन हाँ बहुत कुछ दिया है आपकी बायोलॉजी में इनका बहुत नाम है तो देखो इन्होंने क्या किया है इन्होंने टेक्सोनॉमी के ऊपर काफ़ी स्टडी की है हमें बताया है टेक्सोनॉमी के बारे में इन्होंने हमें नॉमन के बारे में बताया है कि नॉर्मन क्या होता है टेक्सोनॉमी के बारे में बताया है ठीक है तो इनकी इन्होंने काफ़ी स्टडी की है इन ब्रांचेस के अंदर तो अगर हम बात करें इज अ प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म क्या समझे हम क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म से हम क्या समझते हैं देखो भाई मान लो, मान लो लो तुम एक रास्ते से जा रहे हो तुम एक रास्ते से जा रहे थे और जाते जाते तुम्हें कौन मिला तुम्हें एक ऑर्गेनिज्म यहां पे पड़ा हुआ मिल गया ठीक है ऐसा एक ऑर्गेनिजम दिख गया तुम्हें अब मुझे बताओ कि तुम इस ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करोगे है ना चलो क्लासीफाई करना छोड़ है छोड़ो उस चीज़ को लेकिन आप देख बता पाओगे कि ये एक प्लांट है या फिर एक एनिमल है या फिर या फिर कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिजम है क्या है आप देख के बता पाओगे तो आप देख के नहीं बता पाओगे तो उ, कैसे आप उस ऑर्गेनिज्म को कौन से किंगडम में डालोगे या आप उसे एक प्लांट कहोगे एक एनिमल कहोगे वही बातें बताने के लिए कौन आए हमारे परिणाम है इनको ये है कार्ड लिनियस आई इन्होंने बताया कि भाई अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म दिखता है तो पहले आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करो कि भाई उसके पास दो सींग है चार लिम्स है है ना या फिर उसकी आंखें दो हैं कैसा क्या उसके पास हेड है कि नहीं है क्या उसके पास ब्रेन है कि नहीं है ये सब बातें आपको स्टडी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेकेंड नॉर्मन उसको एक नाम दो ठीक है उसको एक नाम दो नाम कैसे देते हैं वो हम सीखने वाले हैं और तीसरा टॉपिक क्लासिफिकेशन उसे आप क्लासीफाई कर दो किसी एक सेलुलर लेवल के बेसिस पे कि भाई वो सेल सेल से बना हुआ है या वो टिश्यू से बना हुआ है या फिर वो एक ऑर्गन से बना हुआ है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसे आप उसे क्लासीफाई कर दो प्लांट में डाल दो एनिमल में डाल दो किस हिसाब से डालोगे वही बातें इन्होंने सिखाई अपनी टेक्सोनॉमी के ब्रांच के अंदर टेक्सोनॉमी ठीक है टेक्सोनॉमी के बारे में उन्होंने बताया ठीक है तो इन्हीं का नाम है जो कि क्लासीफिकेशन साइंस में अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन होता है क्या है सर देखो क्लासिफिकेशन का मतलब ये है इसको आप ऐसे समझो कि मान लो आपके पास यहां पर रखा है एक बैट ठीक है यहां रखी है एक बॉल यहां रखी है एक पेंसिल पेंसिल ज्यादा बड़ी नहीं मान गई इतनी ठीक है ठीक है शार्पन नहीं रख रहा मैं इसको ओके ये हो गया और अगर हम बात करें आपके रेजर की यहां पे रेजर रखी हुई है ठीक है एप्सरा की रेजर है ठीक है और अगर हम बात करें और क्या रखें आइसक्रीम रख दें यहाँ पे आइसक्रीम तो ये मान लो आपकी आइसक्रीम रखी हुई है ठीक है यहाँ रखी हुई है फुटबॉल ठीक है और क्या रखें और डायपर रख दें डायपर क्या रख रहे सर चलो यहाँ पर रख दें डायपर ऐसा होता है डायपर कुछ मुझे पता नहीं है ठीक है ऐसा कुछ डायपर हमने रख दिया ठीक है और क्या रखें तो ये सीट आपने यहाँ पे रख दी है अब मान लो तुम कहीं पे जा रहे हो और तुम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जाने के बाद अभी तुम एक मॉल में गए हो ठीक है मॉल में अब इन्हीं चीज़ों का पूरा ढेर लगा हुआ है और तुमसे कहा गया है कि यार तुम जाके इसमें से ले लो अपने आप जो तुम्हें लेना है हमारे बस की ना है तो अब तुम उसमें जाओगे तुम उसमें ढूँढोगे चीज़ों को अरे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा तुम्हें ढूंढने में दिक्कत आएगी तो क्या एक ऐसा मॉल बेटर नहीं है जहाँ पर चीज़ों को ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके रखा हो कि भाई यहाँ पे कैटेगरीज बना दी हो एक बना दिया आपने स्पोर्ट्स की कैटेगरीज एक बना दी आपने किसकी स्टेशनरी की कैटेगरी ठीक है एक कैटेगरी बना दी आपने आइसक्रीम की या फिर यू नो ईटिंग फूड मटेरियल ठीक है ऐसे आपने अगर कैटेगरी बना दी और उसके अंदर आपने चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया तो क्या वो एक अच्छा क्लासिफिकेशन का सिस्टम नहीं है क्या वो एक अच्छा इजी तरीका नहीं है आपके लिए चीजों को सिलेक्ट करने का आप सीधे जाओगे आपको जो चीज चाहिए उसी कैटेगरी में जाओ आप लेके आ जाओ तो यही तो है क्लासिफिकेशन अरे बाबा यही तो है क्लासिफिकेशन ठीक है क्लासिफिकेशन में करते हैं क्या है आप सिंपली एक स्टेप है कि आपको चिरो क्लासीफाई कर देना है उनके बेसिस पे उनके सिमिलैरिटीज और उनकी डिसिमिलैरिटीज को देख के ये होता है क्लासिफिकेशन ठीक है ज्यादा लेंदी बातें हम नहीं करेंगे सिंपल पॉइंट टू पॉइंट की हम बातें कर रहे हैं ठीक है इज दैट क्लियर ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन की स्टडी करना साइंस में दैट इज दैट इज वॉट टेक्सोनोमी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कौन है वो है कार्ड लिनियस कार्ड लिनियस ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी ठीक है तो और नॉर्मन कैशर भी इन्होंने ही दिया है तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की आपको समझाई दिया क्लासिफिकेशन होता क्या है ना द मेथड ऑफ अरेंजिंग द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनके बेसिस पे किस बेसिस पे क्लासिफाई करना सिमिलैरिटीज को देखते हुए और डिसिमिलैरिटीज को देखते हुए कि भाई अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है है ना और वो एकाध सेल से मिलकर बना हुआ है तो उसे यूनी मान दीजिए जो काफ़ी सारी से बना है उसे कह दीजिए मल्टी सेलुरर तो इनको ऐसे क्लासीफाई कर दो और क्या तरीका है क्लासीफाई सिमिलरिटीज़ को देखने का मान लो किसी के पास चार पैर हैं चार लिम्स हैं तो उनको उठाकर एक बकेट में डाल दो ठीक है अब मान लो कोई एक ऐसा है जो बिल्कुल इत्तूस है जिसका साइज बहुत छोटा है तो साइज एक तरीका हो गया क्लासिफिकेशन का उसको आप अलग बांट दो ठीक है तो ऐसे आप क्लासिफाई कर सकते हो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलिटीज़ को देखते हुए और यही होता है क्या क्लासिफिकेशन और यही क्लासिफिकेशन का पूरा सिस्टम कौन लेके आया कार्ड लिनियस लेकर आए ठीक है और यही है जो आप टेक्सोनोमी में पढ़ते हो टेक्सोनोमी ठीक है में आप इसी के बारे में पढ़ते हो क्लियर तो हम आते हैं आगे बढ़ते हैं तो आई थिंक ये बेसिक एक ब्रीफ इंट्रो आपको मिला होगा बेसिकली हमने क्या किया है ना हमने बात की आपके आ, क्लासिफिकेशन के बारे में ठीक है एनिमाइजर हाय हेलो ठीक है तो हमने क्या बात की हमने बात की आपके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की कि यार आप अगर रस्ते से जा जा रहे हो ठीक है और जाते जाते क्या मिला आपको कि एक ऑर्गेनिज्म मिल गया अब उस ऑर्गेनिज्म को आप कैसे पहचानोगे तो पहला स्टेप उसे क्लासीफाई करना है ठीक है आपको टेक्सोनॉमी की स्टडी करनी है टेक्सोनॉमी में क्या आता है पहला उसको आइडेंटिफाई करो दूसरा उसको नाम दो नॉमन और तीसरा उसको क्लासीफाई कर दीजिए पहला आइडेंटिफिकेशन ढूंढो क्या ढूंढा है सर ढूंढो इसमें कि क्या उसके दो सींग है क्या उसकी दो आंखें हैं क्या उसके चार लिम्स हैं कलर कैसा है उसकी स्किन कैसी है एक सेल से बनाए दो सेल से बनाए ये सब बातें आपको ढूंढनी पड़ेगी उसके बारे में दूसरा उसको एक नाम दे दो रामलाल चिंटू पिंटू मोन्टू जो नाम आप जो भी नाम आपको देना है वो नाम दे दो उसको और तीसरा उसको क्लासीफाई कर दो किसी एक प्लांट में एनिमल में इस तरीके से आप उसे क्लासीफाई कर दो और इन तीन चीजों की स्टडी करना क्या कहलाता है टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ आवर बायोलॉजी ठीक है और फादर कौन है उसके वो है आपके कार्ड लीग क्या बात आपको याद हो गई क्या इस वाली बात में कोई डाउट है आपका यस श्रेंश श्रेष्ठा अनिमा हाय आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू टिल नाउ ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यार क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स को यार प्लांट की कैटेगरी में बांटें है ना या फिर हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं है ना उनको हम कैसे बांटें क्या सिर्फ प्लांट और सिर्फ एनिमल से काम चल जाएगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है कुछ को उठाकर आप प्लांट में रख दो कुछ को उठाकर आप एनिमल में रख दो तो क्या ये तरीका सही है ऑब्वियसली तो बहुत बकवास तरीका है ना क्यों भाई अगर आप कह रहे हो कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम अगर एनिमल में रख देंगे तो तो फिर यार एक शार्क और एक आ, एक 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 मक्खी है ना एक मॉस्किटो एक मॉस्किटो और एक शार्क एक ही चीज़ में आ जाएगी क्या ये दोनों सेम होते हैं क्या सेम तो नहीं होते तो इसीलिए कुछ स्टेप्स हमें चाहिए थे क्लासिफिकेशन करने के तो उसकी हम बात कर रहे हैं समझो आगे ध्यान से आराम आराम से आगे बढ़ेंगे ठीक है हर चीज आपको समझ में आएगी क्लासिफिकेशन की बात की मैंने आपसे तो पहला अटेम्प्ट किसने दिया था क्लासिफाई करने का पहली कोशिश किसने की थी तो वो थे एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने पहली बार कोशिश की थी किसी ऑर्गेनिज्म को जितने भी हमारी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करने की ठीक है उनको बकेट्स के अंदर बांटने की कोशिश इन्होंने की थी उसके बारे में जानते हैं इन्होंने कहा क्या इन्होंने कहा कि यार हम एक काम करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं और दो बेसिस पे एक को हम कहेंगे एनिमल एक को हम कहेंगे प्लांट तो जो एनिमल है उसमें हम रखेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मूव नहीं कर सकते और प्लांट में हम रखेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं देखने में तो लगता है कि हाँ भाई प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते और एनिमल्स मूव कर सकते हैं मगर क्या हमारे पास सिर्फ प्लांट और एनिमल्स ही है भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो है ना तो उसे आप किस में डालोगे प्लांट में या फिर एनिमल में तो ये सवाल वहां पर खड़ा हुआ ठीक है उन्होंने तो अपने कुछ ना मतलब ब्लड के बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफाई किया था है ना ब्लड के बेसिस पे कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म इनके पास रेड ब्लड है मतलब आरबीसीस प्रेजेंट है उसको आप एक में बांट दो ठीक है और जिनके पास आरबीसीस एब्सेंट है उनको अलग कर दीजिए ठीक है तो ऐसा आप दो कैटेगरीज़ बना दो है ना फर्स्ट कैटेगरी और ये सेकेंड कैटेगरी तो ऐसे आप दो कैटेगरीज डिफाइन कर दीजिए उन्होंने ऐसा कहा बट यू नो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ नाइस मैथड तो ये एरिस्टोटल का अपना कहना था कि आप प्लांट और एनिमल के बेसिस पे आप बांट दीजिए बट ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा रह पाया ठीक है एरिस्टोटल जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं है ना कुछ कहते हैं ना हम लोग जो जीनियस लोग होते हैं है ना हमारी हिस्ट्री में तो ऐसे ही एरिस्टोटल भी ना एक जीनियस पर्सन था तो अगर आप एक लिस्ट चेक करोगे ना गूगल पे कि यार सबसे जीनियस पर्सन की लिस्ट निकाल के दिखाओ मुझे तो उसी में से एक एरिस्टोटल का नाम भी आने वाला है ही वाज वन ऑफ द जीनियस पर्सन इन्होंने अपना हाथ जो है बायोलॉजी में भी डाला है अपना हाथ इन्होंने फिजिक्स uh, में भी डाला है इनर्शिया जो आप पढ़ते हो पहली बार इनर्शिया बताया किसने था एरिस्टोटल ने बताया था है ना बायोलॉजी में इनका uh, अपना काम आता है तो एरिस्टोटल इज वन ऑफ द यू नो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ये अपने समय के ठीक है चलो बाकी यार समय का तो किसको पता है ना समय तो बदलता रहता है चलो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पर हम देख पा रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में और कुछ बातें तो पहला अटेम्प्ट किसने दिया एरिस्टोटल ने दिया, दिया किसके बारे में प्लांट और एनिमल्स को तो क्लासिफाई करने की कोशिश बताई ठीक है उसके बाद फिर आए हमारे सेकेंड हमारे वही महान गुरु है ना प्रणाम कर दो उनको सारे के सारे कौन है ये कार्ड लिनियस तो कार्ड लिनियस ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे हम दो ग्रुप्स में जितनी भी डाइवर्सिटी है उनको बांट देंगे

और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे होंगे आपके मोटाइल होंगे कुछ होंगे सेडेंट्री sed, uh, और कुछ होंगे आपके मोटाइल मोटाइल मतलब जो खुद से मूव कर पाएंगे और सेडेंट्री मतलब जो मूव नहीं कर पाएंगे मतलब वही प्लांट और एनिमल का बेसिस इन्होंने बताया था ठीक है तो पहले क्या आपके पास सबसे पहले आया आपके पास सेडेंट्री वाले और सेडेंट्री वो होंगे जो कि ऑटोट्राफिक मतलब अपना खाना खुद से बना सकते हैं और मोटाइल वो और साथ में कैसे होने चाहिए वो हैटेरोट्रॉफिक भी होने चाहिए मतलब जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते ठीक है अब देखो यहाँ पे सवाल आया फंगस के ऊपर यार फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता लेकिन है सेडेंट्री मूव भी नहीं कर सकता वो तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेडेंट्री हो लेकिन हैट्रोट्रॉफिक हो तो उसे आप कहाँ डालोगे ये सवाल पता नहीं लगा हमें ठीक है दूसरा इनसे पूछा गया कि यार एक बात बताओ कि एक बैक्टीरिया जो होता है एक बैक्टीरिया उसे आप कहाँ पर डालोगे बैक्टीरिया जो है वो आपको पता है एक ही सेल से बना हुआ है बाकी आप इसमें बात कर रहे हो सारे मल्टी सेलर के बारे में तो वो यूनी सेलर को आप कहाँ पे डालोगे तो ऐसे सवाल इन पे कुछ उठाए गए और इन सवालों के जवाब किसी तरीके से ये नहीं दे पाए तो ये किंगडम क्लासिफिकेशन भी किस तरीके से फेल हो गया नहीं चल पाया आगे जाकर तो बाकी साइंटिस्ट का नाम क्या है कार्ड लिनियस ठीक है वैसे इनका असली नाम जो था वो था कार्ड वॉन लिनाए ठीक है बाकी हाँ उसके बारे में हम जानेंगे कैसे उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर डाला तो आप डेडिकेशन देख रहे हो अपने अपने काम को लेकर के अपना नाम तक चेंज कर दिया ठीक है तो उसकी भी हम बात करेंगे और बाकी टेक्सोनोमी के फादर कौन है यही है और नॉमन क्लेचर के फादर भी कौन है मतलब नॉमन क्लेचर दिया किसने वो भी उन्होंने दिया है कार्ड लिनियस ने दिया था ठीक है ओके समझ में आ गई थी बात आपको तो क्लासिफिकेशन के बारे में आपको काफी सारे बातें बता दी अभी तक ठीक है हम काफी सारे इंट्रोडक्शन जान चुके हैं क्या देखा हमने इंट्रोडक्शन में अरे अरे रे एक मिनट रुको देखो हमने स्टार्टिंग से जाना टेक्सोनॉमी के बारे में टेक्सोनॉमी होती क्या है तो टेक्सोनॉमी हमने स्टडी कर ली है ना उसके बाद हम सेकंड चीज पे आए क्या हमने क्लासिफिकेशन का मतलब जाना कि क्लासिफाई हम करते कैसे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे तो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे आप क्लासीफाई करते हो टेक्सोनॉमी ब्रांच के अंदर वो इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार लिनियस पहले हमने देखा कि एरिस्टोटल ने अपनी शुरुआत की थी दो किंगडम क्लासिफिकेशन को बांटने के तरीके से बट वो वो सफल नहीं हो पाए फिर आए सेकंड साइंटिस्ट और जहीं से जहाँ से हम मानते हैं कि भाई पहली बार क्लासिफिकेशन की शुरुआत होने लगी थी वो कौन से साइंटिस्ट थे वो थे आपके कार्ड तो कार्ड लिनियस ने पहली बार शुरुआत की थी अपने क्लासिफिकेशन को लेकर इस टाइट क्लियर समझ में आ गया तो पहली बार इन्होंने बात की थी कार्ड ने और इन्होंने क्या किया इन्होंने पहली बार वर्ड इस्तेमाल किया किंगडम तो उन्होंने कहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने कहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया क्या ठीक है तो ऐसे उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म को आप बांट दीजिए एक तो होंगे आपके प्लांट्स और एक इन्होंने कहा कुछ होंगे आपके एनिमल्स ठीक है कुछ होंगे आपके प्लांट्स कुछ होंगे आपके एनिमल्स प्लांट्स जो है वो सेडेंट्री ऑटोट्रॉफिक्स होंगे और जो एनिमल्स हैं वो कैसे है? मोटाइल और होने वाले हैं तो ऐसे इन्होंने बताया था आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं यहाँ को मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी है ना सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई करना क्या कहलाता कर है क्लासिफिकेशन होता है ठीक है आपने अगर देखा कि कोई चीज़ ठंडी है ठीक है तो उसको आपने आइसक्रीम में बांट दिया है ना कोई चीज़ ऐसे खेलने के इस्तेमाल आ रही है ऐसे करके ऐसे मार रहे हो तो उस चीज़ को राइट वो किसके लिए इस्तेमाल आ रहा है स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसको स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में डाल दो ठीक है आप क्लास में गए क्लास में यार आ, अब आपको कहा गया कि आप इन बच्चों को ना ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटो तो आप कैसे बांटोगे आपने कहा कि बच्चे खड़े हो जाओ और जो सेम हाइट के बच्चे है ना छोटी हाइट के बच्चे उनको एक तरफ ले लो जो लंबी हाइट के उनको एक तरफ ले लो ऐसे आपने बांट दिया अच्छा तरीका था ये है ना तो आपको हाइट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया या आपसे कहा जाए कि भाई इंटेलिजेंस की बेसिस पे डिवाइड करो तो आपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे डिवाइड कर दिया कर सकते हैं ना मेरे को ऐसे कमेंट लिख के मत भेजना सर इंटेलिजेंस पे पर ही रेशियम कर रहे हो ऐसे पार्शियलिटी कर रहे हो ऐसा मत बोलना कुछ ठीक है तो ऐसा भी आप कर सकते हो डिवीजन तो अलग अलग तरीके होते हैं क्लासिफिकेशन की तो वही क्लासिफिकेशन की शुरुआत जो है वो किसने की थी कार्ल लेनेस ने कहा था कि हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है ना तो पहली क्लासिफिकेशन जरूरत थी आपके पास अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी बेटर आपके आसपास जितने भी डाइवर्सिटीज है ना कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है कितनी मिलियंस ऑफ स्पीसीज आपके पास प्रेजेंट है तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स को एक तरीके से क्लासीफाई करना है ना इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल था तो उसी को आ, समझने के लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी है ना एक पूरा पहाड़ लगा हुआ हो उसमें आपके आप बैट भी होंगी बॉल भी होंगी आपके पेंसिल भी होगी इरेजर भी होगी उसमें आपके आइसक्रीम भी होगी है ना खाना भी होगा उसमें डायपर भी होंगे बच्चे के तो क्या इन सबको एक साथ पढ़ सकते हो क्या इन सबको एक साथ उठा सकते हो क्या ढूंढने में दिक्कत आएगी ना तो इसीलिए जब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास होती है ना तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन की मदद लेते हैं तो अंडरस्टैंड करने के लिए डाइवर्सिटी को हमें इसकी जरूरत थी दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है कौन सा एक सेल से बना है कौन सा दो सेल से बना हुआ है तो ये बातें जानने के लिए भी हमें क्या क्या जरूरत थी क्लासिफिकेशन की नीड थी तीसरा क्लासिफिकेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ये हमारी हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को स्टडी करने में और उनकी ब्रांचेस को बनाने में ठीक है कि भाई एक एनिमल है तो एनिमल में भी आपने बहुत सारे फाइलम्स बना दिए है ना पॉडिफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा पेटी हेलमेंटी एसके हेलमेंटीजर बहुत चीज बना दिया आपने तो वो क्या थे वो आपने क्लासिफिकेशन कर दिया आगे दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वो एनिमल्स आए कहाँ से है उनका हैरान क्या है है ना उनका फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है वो हमें मिला है आपके हिस्ट्री से तो एवोल्यूशन को समझने में भी हमारी कौन मदद करता है क्लासिफिकेशन मदद करता है इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का ग्रुप जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उस बात को जानने में भी कौन मदद करता है हमारा उस चीज़ को भी जानने में हमारे, हमारी क्लासिफिकेशन की स्टडी हेल्प करती है कि दो ऑर्गेनिजम में क्या लिंक है क्या ये पानी में रहता है अच्छा ये भी पानी में रहता है अच्छा ये हवा में उड़ता है ये भी हवा में उड़ता है क्या ओके okay, इसके पास चार पैड है हाँ इसके पास भी चार पैड है तो ऐसे इन दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप क्या है वो जानने में भी हेल्प करती है हमारी कौन क्लासिफिकेशन ठीक है नॉलेज ऑरिजन ऑफ स्पीसीज के बारे में जानने में मदद मिलती है हमें और लास्ट क्या है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आज आप जानते हैं कितनी सारी ब्रांचेस बन चुकी हैं बायोलॉजी की है ना न्यूरोलॉजिस्ट हो गई है ना ऑटोराइनोलेंजियोलॉजी हो गई आपकी है ना आपके डेंटोलॉजिस्ट हो गए आपके ओरोंटोलॉजिस्ट ठीक है तो ऐसे बहुत ब्रांचेस बन चुकी हैं बायोलॉजी की तो यहीं से वो ब्रांचेस आई हैं तो बायोलॉजी की नींव शुरुआत किसने की थी वो इन्हीं साइंटिस्टों ने की थी जहां से आगे बातें बढ़ पाई अब देखो अभी तक सारी बातें हम क्लासिफिकेशन के बारे में ही करते आ रहे हैं और क्लासिफिकेशन में मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चा मुझे ये बताओ कि अगर आपको किसी को क्लासीफाई करना हो तो आप उसे क्लासीफाई कैसे करोगे अगर कोई चीज़ आपको क्लासीफाई करनी हो या कोई आप रस्ते पर जा रहे हो है ना रस्ते पर जाते जाते हैं तो आपको एक ऑर्गेनिज्म मिल गया अब उस ऑर्गेनिज्म को आप क्लासीफाई कैसे करोगे तो इसके स्टेप सिंपल है पहला आपको मतलब ये तरीके हैं क्लासीफाई के आप उसके सेल स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि भाई उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है क्या वो प्रो है या फिर वो यू है ठीक है तो आप क्या देख सकते हो आप देख सकते हो टाइप ऑफ सेल टाइप ऑफ सेल में आप क्या देखोगे कि भाई वो एक सेल से बनाए या फिर दो सेल से या फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यू कैरियोटिक सेल है ठीक है या आप ऐसा भी कर सकते हो नंबर ऑफ सेल भी देख सकते हो आप नंबर ऑफ सेल तो ये आप कैसे देखोगे यू कैन सी कि वेदर यार वो एक सेल से बनाए है ना ओनली वन सेल मतलब क्या वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर है तो आप ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर को देखकर आप क्लासिफाई कर सकते हो दूसरा है मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कि बस का तरीका कौन सा है क्या वो है है या या फिर वो है? या क्या वो क्या अपना खाना खुद से बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है ना ऐसे तीसरा आप देखोगे इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या वो एक सेल से बना हुआ है मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका या फिर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या वो टिश्यू से बना हुआ है या फिर वो ऑर्गन से बना हुआ है या वो ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है है ना ये बात आपको देखनी पड़ेगी ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है तो ये बातें आपको जाननी पड़ेगी ठीक है दिस इज वॉट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या उसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उसका यू कैन से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो इन तीन चीज़ों को स्टडी करके आप उसे क्लासीफाई कर पाओगे ठीक है तो कोई भी चीज अगर आपको मिली तो आपको देखना है कि भाई वो उसका न्यूट्रिशन कैसा है क्या वो एक सेल से बना है या बहुत सारी सेल से बना हुआ है क्या उसकी सेल प्रो कैरोटिक है या यू कैरोटिक है? है ना तो ये बातें आपको देखनी पड़ेगी उसके अंदर तो ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हो तो क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ अ वाइड वैराइटी काफी ज्यादा बड़ी वैरायटी को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना और दूसरा इट प्रोवाइड द ओरिजिन एंड द जेनेरिक रिलेशनशिप

ध्यान से पढ़ना आप देखो नॉमन क्लेचर की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मन क्लेचर में क्या होता है आप नाम देते हो है ना नामकरण आप करते हो नॉर्मन क्लेचर में क्या करते हो नामकरण आप करते हो तो इसमें देखो दो चीजें हैं एक तो होगा आपका जीनस और एक होंगे आपकी स्पीसीज ठीक है जीनस और स्पीसीज तो भाई किसी का भी अगर आप एक नाम दे रहे हो ना और वो नाम कैसा है साइंटिफिक नेम है अच्छा सर साइंटिफिक नेम की ज़रूरत क्यों पड़ी साइंटिफिक नेम मतलब हमें साइंस में नाम देना क्यों है क्या हम सिंपली एक नॉर्मल हमारी भाषा में नाम नहीं दे सकते तरह तो उसका जवाब है नहीं दे सकते क्यों क्योंकि क्यों? क्यों आपको पता है कि यार अगर को हम बात करें किसी के नाम देने की नामकरण की तो आपको पता है यार एक मान लो अफ्रीका का कोई साइंटिस्ट या फिर जर्मन का कोई साइंटिस्ट आया ठीक है अब जर्मन का साइंटिस्ट हमारे पास आया और एक है इंडियन साइंटिस्ट अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं और हमारा इंडियन साइंटिस्ट कौन है मराठी है ठीक है बॉम्बे का है ठीक है तो वो क्या बोलेगा वो बोलेगा हाफूस क्या बोला वो बोला हाफूस और जो जर्मन का साइंटिस्ट है उसकी होगी लैटिन लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज में कुछ और बोल देगा वो तो ये एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाएंगे है ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बट इफ़ यू नो डैट यार हाफूस क्या होते हैं मैंगो होते हैं और उसे भी पता है मैंगो होते हैं बट आपकी जो लैंग्वेज है वो कन्वीनियंस नहीं है ना तो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पूरी दुनिया में मैंगो को एक नाम देते हैं और वही नाम पूरी दुनिया में हर जगह चलेगा मैंजीफेरा इंडिगा मैंजीफेरा इंडिगा तो ये नाम दे दिया हमने ठीक है तो अब उससे क्या हुआ उससे पूरी दुनिया में वही नाम चल रहा है और आप किसी भी साइंटिस्ट को बुला लो साउथ अफ्रीका के अमेरिका के ना किसी भी साइंटिस्ट को आप बुलाओ उसे ये नाम पता होगा तो इसीलिए एक साइंटिफिक नेमिंग की साइंस के साइंटिफिक नेम की जरूरत हमें आवश्यकता थी तो इसमें आप देख पा रहे हो कि साइंटिफिक नेम जब आप लिखते हो ना तो उस समय आपको क्या चाहिए होगा उस समय आपको चाहिए होगा एक तो जीनस और एक स्पीसीज ये दो चीज़ों आपको की आपको आवश्यकता पड़ेगी कब दिया गया था 1753 में साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की गई थी ठीक है उससे पहले भी साइंटिफिक नेम थे लेकिन वो सात वर्ड जितने लंबे होते थे बहुत लंबे लंबे साइंटिफिक नेम हुआ करते थे पहले ठीक है तो उसी से छुटकारा पाने के लिए कुछ इजी साइंटिफिक नेम जो है वो कार्ड लिंगियस ने बताए कि भाई आप किसी भी साइंटिस्ट का नाम अगर आप लिख रहे हो तो उसमें आपको पहला वर्ड जो है जीनस बताएगा और दूसरा वर्ड आपको स्पीसीज बताएगा अब ये स्पीसीस क्या है जीनस क्या है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस तो इनकी बात हम अनवे सेशन में करेंगे बट एज एज ऑफ नाउ आप सिर्फ याद रखो कि पहला लेटर इज वट जीनस सेकेंड लेटर इज स्पीसिस दो चीज़ें हमें बताई जाती है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर ठीक है अब आते हैं रूल्स पे क्या अगर आपको किसी का साइंटिफिक नेम लिखना है ना तो आप उसका साइंटिफिक नेम कैसे लिखोगे तो इन रूल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दूं एक बार ठीक है फिर हम इन रूल्स पे आएंगे वट आर दीज थिंग्स तो आपको पता आप आप होना अपने चाहिए अपने, हो और पोल सेशन के थ्रो आपकी प्रैक्टिस होती है ठीक है वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग यार आपका एक डबल धमाका ऑफर चल रहा है और ये सिर्फ आज के लिए है आज के बाद ये इनवेलिड हो जाएगा ठीक है तो इस ऑफर में है कि आपको तीन तीन बेनिफिट मिल रहे हैं कौन कौन से पहले इस कोड को लगाना है लक्ष्य जी लाइव ठीक है इस कोड को आपको लगाना है और इस आपको तीन बेनिफिट्स मिल रहे होंगे पहला बेनिफिट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दूसरा बेनिफिट दूसरा बेनिफिट अगर आप ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ट्वेल्व मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आपको थ्री मंथ का सॉरी कितना टू मंथ का आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल रहा होगा टू मंथ एक्स्ट्रा आपको मिल रहे होंगे और तीसरा ऑफर अगर को आप नाइन्थ का या फिर क्लास टेंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना तो आपको इलेवेंथ का और ट्वेल्थ का एक्स्ट्रा फ्री में मिल रहा होगा तो अगर आपको कोई हाई टॉपिक बट डेप्थ में समझना है तो उसको आप इलेवेंथ ट्वेल्थ वाली क्लासेस में जाकर भी समझ सकते हैं ठीक है तो ये कुछ तीन ऑफर्स आपको मिल रहे होंगे तो इस डबल धमाका ऑफर का बिल्कुल ही बेनिफिट उठाना उठाना चाहिए आपको राइट right? ओके okay? तो मेगा ऑफर आपका चल रहा है मैंने आपको बताई दिया है ना अनलॉक ट्वेंटी इसमें आप मेरा कोड लगाना ना भूलें दैट इज़ लक्ष्य जी लाइन ओके सो दैट इज अबाउट दैट और आपके कुछ बैचेज जो है इस समय पर चल रहे हैं वो हैं आपके बैचेस आपके बैचेस है आपके उड़ान बैचेज हो गए आपके चैंपियन बचेज हो गए है ना इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बैचेज हैं तो इन बैचेस में भी आप जाकर एनरोल कर सकते हो पूरा सिलेबस अगर आप चाहते हैं हमसे पढ़ने के लिए ठीक है तो ये सिलेबस जो है आपका पूरा कवर कराया जाएगा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे क्लासेस स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं फ्री क्लासेस हैं आप उनमें भी आ सकते हैं मगर आपको लाइक यू नो प्रैक्टिस करनी है पोल आपके रिवीजन टेस्ट सीरीज चाहिए आपको है ना ये चीज़ों बेनिफिट जो होते हैं वन टू वन इंट्रैक्शन आप अपने एडुकेटर से बात कर सकते हो उनसे सवाल पूछ सकते हो एनी टाइम डाउट सॉल्विंग हो गए सब फीचर्स आपको मिल जाएंगे प्लस बैचेस में तो आप उन्हें भी जाकर विजिट कर सकते हो दैट इज अगेन द सेम प्रोमो कोड यू हैव टू अप्लाई देर कोई भी बैच अगर आप एनरोल करते हो तो ये बैचेस हैं आपके और ये कुछ आपके एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे होंगे ठीक है आते हैं वापस अभी बाय बाय नहीं है ठीक है अभी हम वापस पढ़ रहे हैं और हम क्या बातें कर चुके हैं हम बात कर चुके हैं नॉमन क्लेचर दिया किसने अब देखते हैं कि नॉमन क्लेचर आपको करना है तो उसके रूल्स क्या क्या है कैसे आप किसी भी चीज को एक नाम दे सकते हो वट आर द रूल्स फॉर नॉमन क्लेचर है ना वट आर द रूल्स फॉर नॉमन क्लेचर तो आइए नॉमन क्लेचर के रूल्स क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं फटाफट से ओके okay, श्रेयांश अनिमा श्रेष्ठा रेडी बड़े आगे देखो ध्यान से पहला रूल ये है कि आप जब भी कोई एक फर्स्ट वर्ड लिखोगे नॉर्मन क्वेश्चन में जो पहला वर्ड होता है वो कैसा होता है दट फर्ट फर्स्ट वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द स्पीसीज तो दो वर्ड लिखोगे और दोनों वर्ड के आपको मतलब पता होना चाहिए कि पहला वाला वर्ड जो वो क्या बता रहा है आपको उस वाले ऑर्गेनिज्म का जीनस बता रहा है और दूसरा वाला आपको उस वाले ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज बताना है ठीक है तो पहला वर्ड डिनोट्स द जीनस और जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा कैपिटल लेटर होगा इस चीज को आपको याद रखना है दूसरा वर्ड आपको स्पीसीज बताएगा जिसका पहला लेटर कैसा होगा स्मॉल होगा ठीक है बचपन से सीखता रहे कि यार फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल मार मार के हमारे टीचर ने हमें सिखाया है मम्मा ने सिखाया है तब भी तुम नहीं सीखते आज भी तुम गलती कर देते हो उसके अंदर है ना तो वही चीज़ है कि आपके पास क्या है जीनस पहला वर्ड दिखाएगा दूसरा species, जीनस का पहला लेटर कैसा होगा कैपिटल और दूसरा लेटर कैसा होगा स्मॉल आगे बात करें तो दोनों के दोनों वर्ड जो आप लिख रहे हो उनके बीच में सेपरेशन होनी चाहिए क्या होनी चाहिए सेपरेशन देखो हम सीख क्या रहे हैं हम सीख रहेमियल नॉमन हम क्या सीख रहे हैं बायोनोमियल नॉमन अब देखो इसमें इसका मतलब क्या है देखो बाय का मतलब होता है दो तो आप जानते हैं कि दो ही नाम है एक होगा जीनस एक होगा स्पीसीज है ना नॉर्मियल मतलब होता है नामकरण किसी को नाम देना है ना तो बाय नेचर है आपका मतलब आप किसी को नाम दे रहे हो और उसमें दो चीजें आने वाली है बाय मतलब दो ठीक है तो देखो पहली चीज क्या होगी जीनस दूसरी क्या होगी स्पीसीज जीनस का पहला लेटर कैपिटल स्पीसीज का पहला लेटर कैसा है स्मॉल है दोनों वर्ड्स जो आप लिख रहे हो उनको आप सेपरेट करके लिखोगे एक साथ नहीं लिखोगे है ना दोनों को सेपरेट करोगे और अगर को आप उसे प्रिंट करवा रहे हो तो प्रिंट कराते समय आपको उसको इटैलिक में प्रिंट कराना है क्या सर इटैलिक क्या होता है कुछ ऐसा होता है ऐसे टेढ़ी सी भाषा में लिखते हैं ऐसे धक्का दे दो इसको टेढ़ा हो जाएगा तो ऐसी भाषा में जब लिखते हैं तो वो होती है क्या आपकी इटैलिक लैंग्वेज तो आपको प्रिंट अगर आप करवा रहे हो तो उसको इटैलिक लैंग्वेज में आप प्रिंट करवाओगे बौद्ध नेम्स प्रिंटेड इन इटैलिक नेक्स्ट है अगर आप उसे हाथों से लिख रहे हो तो आपको उसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है लाइक like मैंने अगर लिखा मैंजीफेरा इंडिका हाथों से लिख रहा हूं ठीक है तो मैंजीफेरा इंडिका देखो दो वर्ड लिख दिए पहला वर्ड जो है जीनस है दूसरा क्या है स्पेसिस पहले वर्ड का पहला लेटर क्या है कैपिटल है दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैसा है स्मॉल है अंडरलाइन करना है अगर आप उसे हैंड हैंडराइटर्न से लिख रहे हो और अंडरलाइन पूरी मत कर देना बीच में गैप रखना है आपको ठीक है तो गैप मतलब दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से सेपरेट हो रखे हैं आगे अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम्स आर यूनिक फॉलोड एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड ये साइंटिफिक नेम यूनिक होते हैं और पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं फेमस होते हैं हर, पूरे वर्ल्ड में हर कोई इनको जानता है और यही तो खास बात है अगर ये यूनिक नहीं होंगे अगर ये चेंज होते रहेंगे तब तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी ना हमें कोई कह कुछ और होता है कोई का कुछ और होता है है ना तो चेंज नहीं होनी चाहिए सेम होनी चाहिए इसलिए आपके जो बायोनोमियल नॉमन क्लेशर के जितने भी नाम होते हैं ना वो आपकी लैटिन लैंग्वेज से उठाए जाते हैं बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज अब वो डेड हो चुके हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते तो जिसमें कोई चेंज नहीं हो पाएंगे तो फिर आपकी ना कंफ्यूजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है उस केस में इसीलिए जो आपके बायोनोमियल के ज्यादातर जो नाम होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं ड्राइव फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज बिकॉज लैटिन लैंग्वेज कैसी है अब डेड हो चुकी है डेट लैटिन लैंग्वेज है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते ठीक है नो चेंजेस इसी वजह से ठीक है तो आपने पांच रूल्स जाने नॉर्मल्स लेको पहला क्या है आपको पहला वर्ड जीनस दिखाएगा दूसरा वाला स्पेसिस जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पेसिस का पहला लेटर कैसा होगा स्मॉल होगा तीसरी बात जो आपका जीनस है मतलब और जो स्पेसिस है उसको आप अगर आप प्रिंट कराओगे तो इटैलिक में कराओगे हाथ से लिखोगे तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे चौथी फिर इसके बाद वाली लास्ट बात क्या है अगर आप हाथ से तो लिखोगे तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको और दैट्स ऑल इज दैट क्लियर तो यह होता है नॉर्मन क्लेशर के बारे में एक दो एग्जाम्पल में बात है नॉर्मन क्लेशर के वो देख लीजिए लाइक तुलसी की अगर हम बात करें तो तुलसी का साइंटिफिक नेम होता है ऑसीमम सेंटम ठीक है ऑसीमम सेंटम तो ये क्या है ये आपका साइंटिफिक नेम है तुलसी का इसमें देखो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है तो इटैलिक में लिखा हुआ है टेढ़ा करके ठीक है और पहला लेटर जो है वो क्या है जीनस दिस डिनोट्स द जीनस एंड दिस स्पीसी ठीक है सेंटम सेकेंड वर्ड स्पीसीज दिखाएगा उसका पहला लेटर कैसा है स्मॉल है तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नेम तुलसी आप जानते एक प्लांट है ना इसको इस्तेमाल करते हैं वॉमिटिंग में नोजिया में डायरिया में इस्तेमाल होता है इसका है ना यूज द सीड एंड द लीव्स एंड ब्लैक पेपर फॉर मलेरिया उसके लिए भी इस्तेमाल होता है इसका तो हमारे देश में जो है तुलसी को यू you नो know, पूछते भी है एक रिलीजियस नेचर भी है इसका है ना किसका होली बैलिस होली बैलिस जो है स्पीसीज है आपके तुलसी की और इसका एक यू you नो know, एक यू नो पूजनीय है या हम इसको रिलीजियस में भी इस्तेमाल करते हैं ठीक है ठीके? तुलसी में क्या होता है हाई सोर्स होता है विटामिन ए का विटामिन सी का कैल्शियम का जिंक का और आयरन का दिस इज अबाउट तुलसी ऐसी कुछ और एग्जाम्पल है देख लीजिए उसको फराबर से नेक्स्ट हम बात करें कॉटन की तो कॉटन का जो प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम होता है ठीक Goss... है तो ये आपको कॉटन का प्लांट है कितना ब्यूटीफुल आपको दिख रहा है यहाँ पे है हाँ ना तो इसमें भी सेम चीज है पहला लेटर जो है जीनस दूसरा वाला स्पेसिस जीनस का पहला वर्ड लेटर कैसा है कैपिटल है और स्पेसिस का पहला लेटर कैसा है स्मॉल है ठीक है, है. तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे ये हो गया तो ऐसे कुछ नाम है आपके साइंटिफिक नेम है पीपल का आपको पता है फिकस रिलीजियोसा हमारा जो भारत रत्न अवार्ड है ना उसका भी उसकी शेप कैसे कुछ ऐसी ही शेप है ना तो ये जो पीपल का पेड़ है वो हमारे यू नो you know, इसका नाम भी जब रखा गया है ना तो वो हमारे देश को देखते हुए रखा गया है रिलीजियोसा हमारे रिलीजियस को है ना उसको रिप्रेजेंट करता है पीपल का पत्ता ठीक है तो फिकस रिलीजियोसा एफ एस कैपिटल आर एस स्मॉल इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे ठीक है तो ऐसी कुछ यहाँ पे साइंटिफिक नाम दे रखे हैं आपके यहाँ पे रोज़ का नाम दे रखा है आपका है ना रोज कोर देसी हो गया आपका है ना टी का दे रखा है मैंगो का आप जानते हैं मैंजीफेरा इंडिका कितनी सारी स्पीसीज होती हैं आपके मैंगोज की एक होता है दुसेरी काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत मीठे होते हैं ठीक है और आपका होता है हाफुज भी होता है ठीक है आम अहमद भैया हाफुज तो ये रत्नागिरी के होते हैं ना रत्नागिरी महाराष्ट्र के होते हैं आपने देखा होगा बेड़े ए बेड़े है <laughs> ना रत्नागिरी हाफज मांग मंगतरा कहता मजे समझ में आ लेलाए श्रेयांश देयर अमीना इज दैट क्लियर ठीक है फिर हो गया आपके साइंटिफिक नेमिंग के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी है आइए एक बार आपकी बुक में से भी इसको फटाफट से रीड मार लेते हैं एक बार ठीक है जो आपकी बुक क्या कहती है इन चीजों के बारे में तो आइए देखते हैं फिर अगर हम बात करें नॉमन कल्चर से तो देखो क्या लिखा हुआ है नेमिंग एंड ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को आपको नाम कैसे देना है उसके बारे में लिखा हुआ है तो कॉमन नेम आर वेरिएबल एंड समटाइम्स कंफ्यूजिंग तो कॉमन नेम होता है कैसे होते हैं काफ़ी डिफर करते हैं किसी और के लिए कुछ और होगा किसी और के लिए कुछ और होगा है ना तो उस चीज़ में बताया गया है यहाँ पे आपको और समटाइम कैसे होता है कंफ्यूजिंग भी होते हैं किसी के लिए हाफुस किसी के लिए मैंगो किसी के लिए आम किसी के लिए कुछ और डिलाना फिलाना ठीक है इस तरीके से तो वही बता रखा है पंपकिन जो है एंड कस्टर्ड जो है कस्टर्ड एप्पल जो है एक गुड हैग्जाम्पल है इज अ लोकल लैंग्वेज इज एज द सीताफल किन को हम क्या कहते है? कहते हैं हैं सीताफल नॉर्मल लैंग्वेज में ठीक है काशी फल भी कहते हैं इसको कुम्हरा भी कहते हैं पेठा भी कहते हैं कद्दू भी कहते हैं कितने नाम कहते हैं इसको रे बाप रे बाप तो इतना नाम के तुम क्या करोगे रे कौन सा नाम तुम जानते हो इनमें से है ना नहीं पता ना तो दिक्कत है इस चीज में तो समटाइम्स टेन कॉमन नेम इज नॉट इनफ टू इंडिकेट इंडिकेट अ पर्टिकुलर आर डिफरेंट ऑफ फ्रॉग है ना एक फ्रॉग जो है ना फ्रॉग में भी कितनी सारी स्पीसीज होती है तो उनके लिए भी आपको अलग अलग नाम देने पड़ेंगे ठीक है जंगली क्रो हो गया हाउस क्रो हो गया है ना तो ये कुछ बातें हैं आपके स्पीसीज के बारे में तो पे लिखा भी हुआ नीचे कि दीस टू क्रोस कैन नॉट इंटरब्रीड एंड दे आर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज तो इनकी स्पीसीज जो है ना वो अलग है जंगली ग्रो अलग होता है और आपका हाउस अलग होता है और ये इंटरब्रीडिंग वाले पार्ट हम जो है ना आने वाले सेशन में समझेंगे कि भाई इंटरब्रीडिंग की जरूरत क्यों है क्यों आप किसी ऑर्गेनिज्म को सेम स्पीसीज तभी कहोगे जब वो इंटरब्रीड कर पाएंगी और एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को जन्म दे पाएंगी तो उसकी बात हम आ, आगे करेंगे साइंटिफिक नेम आप जानते हैं मैंने आपको बताई दिया है ना बाइनियल नॉमन क्लेचर बाय मतलब दो तो बायनोमियल नॉमन क्लेचर जो है दिया गया है जैसे आप एग्जाम्पल आपको दे रखा है कॉर्वस स्प्लैंडस ठीक है ये किसका नाम है हाउस क्रोह का नाम है साइंटिफिक नेम है और वहीं अगर बात करें जंगली ग्रोह का तो जंगली ग्रोह का नाम क्या है आपके पास कॉरवस मैक्रो रिंकस ठीक है तो ये उसके नाम हो गए कुछ कुछ नाम आपको बता रखे किसने दिया था इंट्रोड्यूस बाय द कार्ड लिनियस ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था और कब किया था सेवनटीन सेवेंटी एट के अंदर इस चीज़ को दिया गया था उससे पहले दिया था मतलब बीच में ये तो उसका लाइफ स्टाइल दे रखा है मतलब कितना समय तक ये जिंदा रहा था तो वो आपको बता रखा है यहाँ पे ठीक है तो आई थिंक एवरी थिंग इज क्लियर फॉर यू है ना और लैटिन लैंग्वेज से हम इन वर्ड्स को अक्सर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं इनको भी आप देख सकते हैं ये रहे ठीक है तो रूल्स के आपको बता दिया अंडरलाइन करना है है ना इटैलिक में लिखना है उसको आपको और फैला लेटर जो है जीनस दिखाएगा दूसरा वाला स्पीसीज दिखाएगा ठीक है तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखते हैं यहाँ आप पे आपको नाम दे रखे हैं मैन का होमोसेपियंस कैट का फैलिस डोमेस्टिकस डॉग का कैनविस है ना हनी बी का एपिस इंडिका तो कुछ साइंटिफिक नेम है साइंटिफिक नेम को आप ध्यान रखोगे जिया हाई जिया ठीक है हम नॉमन क्लेशर की बात कर रहे हैं और आई होप एवरी थिंग इज क्लियर टू यू और वही साइंटिफिक नेम के आपके रूल्स मैंने आपको जो बताए थे ना वही रूल्स यहाँ पे आपको आ, आपकी बुक में भी सेम चीज़ें बता रखी है देखो तो ये रहा ये रूल से आपके पास पहला क्या था पहला लेटर जो होगा वो जीनस होगा दूसरा वाला स्पीसीस होगा जीनस का पहला वर्ड कैसा है कैपिटल है स्पीसीस का पहला ले, लेटर कैसा है स्मॉल है इटैलिक में प्रिंट करा रहे हो तो उसको टेढ़ा लिखना पड़ेगा आपको मतलब टेढ़ा प्रिंट कराओगे इटैलिक लैंग्वेज में और वहीं पर अगर आप दूसरा आ, अगर उसे हैंड रिटर्न लिखोगे तो शायद आपकी राइटिंग अच्छी होगी ठीक है तो उसको बस आपको अंडरलाइन कर देना है उसको बस अंडरलाइन कर देना है किसने दिया था ये महान साइंटिस्ट हमारे कार्ड लीनियस इन्होंने दिया था तो तो इसे पूजा करा पूजा करना है इनकी ठीक है तो ये इन्होंने इस नॉमन को पहली बार दिया था तुलसी का एग्जाम्पल हमने देखा तुलसी का एग्जाम्पल क्या है ऑसिमम सेंटम दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी ठीक है तुलसी को हमारे देश में रिलीजियस मतलब यू नो पूजा भी जाता है ठीक है तुलसी इज अ रिलीजियस कल्चर में भी इस्तेमाल होता है इसका ठीक है पीपल का वो तो मैंने बताया फिकस रिलीजियस इज द साइंटिफिक नेम ऐसे आप जानते हो मैंगो का क्या होता है मैंजीफेरा इंडिका तो अगर आप मैंगो का नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे पहला लेटर कैपिटल एम है ना मैंजी फेरा और फिर फे इंडिका में सेकेंड लेटर थोड़ा हो स्मॉल होगा और इंडिका हाथ से लिखा है इसलिए इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा बस हो गया सिंपल ये था आपका नॉमन कल्चर का पार्ट लेकिन हमने सिर्फ नॉमन कल्चर नहीं हमने साथ में और भी बातें की है आज के सेशन में हमने बात की थी आपके किस किस के बारे में पहले हमने क्लासिफिकेशन समझा कार्डलिनियस की हमने कहानी समझी है न कैसे कार्डलिनियस ने टेक्सोनॉमी की ब्रांच दी और टेक्सोनॉमी में उसने बताया टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर और तीसरा क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन हमने समझा क्लासिफिकेशन होता क्या है आ, किसी भी चीज़ को सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे डिवाइड कर देना ठीक है एक पूरा पहाड़ है मोल में जिसमें आपकी बैट भी है बॉल भी है आइसक्रीम भी है स्टेशनरी भी है उसमें आपका डायपर भी रखे हुए हैं बच्चों के तो ये सब चीज अगर उसमें रखी हुई है और तुम्हें कहा जाए कि भाई झाँके निकाल के ले आओ ये चीज तो ढूंढने में टाइम लगेगा ना उसको स्टडी करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको तो इसी के लिए क्या था क्लासिफिकेशन की एक ब्रांच थी जिसने हमारे लिए ये चीज़ें ईजी कर दी कौन सी चीज़ें हमारे लिए ईजी कर दिया कि किसी भी और ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर बांट देना अब आप उस मॉल में जाओगे जहाँ पर आपको यू नो you know, डाइपर का अलग सेक्शन मिल जाए दूसरा स्टेशनरी का अलग कैटेगरी मिल जाए और आपके और 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 स्पोर्ट्स की अलग कैटेगरी मिल जाए फूड की अलग कैटेगरी मिल जाए वो उसमें जाना पसंद करोगे या फिर एक ऐसे मॉल में जो आपको सारा पूरा ढेर ही लगा हुआ है पूरा ढेर लगा हुआ है एक जगह पे या उसमें जाना पसंद करोगे तो वह इसलिए आप दूसरे पहले वाले में जाना पसंद करोगे ना तो वही तो है फायदा क्लासिफिकेशन का ये हमारी स्टडीज को इजी बना देता है टाइम बचाता है हमारी अलग अलग ब्रांचेस को स्टडी करने में हेल्प करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है हमें है ना दो जीनस के बीच का रिलेशन हमें दिखाता है तो सारे क्या ही फायदे हैं इसके नॉमन क्लेशर के तो ये बातें हम आज के सेशन में कर चुके हैं आई होप ये सेशन जो है आपको समझ में आ गया होगा तो बस जाने से पहले आपके ये कुछ कोर्सेज हैं कोर्सेज इस कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं डबल धमाका आप चल रहा है बिल्कुल भी बेनिफिट उठाना ना भूलें इसका आज का लास्ट बेनिफिट है आज का लास्ट दिन है तो आज रात बारह बजे तक भी अगर, अगर आप इसको एनरोल करते हो देन दिट इज़ गोइंग टू बी पुरा लाइ आपके यू you नो know, साल भर का प्रॉपर बेनिफिट आपको देने वाला है ठीक है अब ऐसे भी यार स्टडीज़ पर हम पैसा खर्च नहीं करते हमेशा हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं है ना तो आई थिंक एवरी इज़ क्लियर टू यू है ना आपका नाइनटीन फेब्रवरी तक जो है ये वाला ऑफर जो है ये वैलिड है आपका ये वाला नाइन्टीन फेबर तक अनलॉक ट्वेंटी तो आप इसका इस्तेमाल आज कर सकते हैं उससे आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट जो है वो मिल रहा होगा ठीक है या पे कुछ कोर्सेज एंड कोर्सेज को आप अपने आप को जाकर देख सकते हो और एक प्रोडक्ट का एग्जाम और है तो प्रोडक्ट का एग्जाम के लिए आप अपने आपको एनरोल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी ठीक है ये आपका ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ फेबर को होने वाला है इसमें आपको बहुत से एक्साइटिंग प्राइजेस मिलने वाले हैं ठीक है थेके? और इसका टेस्ट है सेवन क्लास से टेंथ क्लास के बच्चों के लिए है तो इस टेस्ट को आप जाकर दे सकते हो एप्सल्यूटली फ्री है आपको बस मेरा कोड लगाना है वहाँ पे दैट इज लक्ष्य जी लाइव है ना और इससे आपको वो टेस्ट जो है फ्री में अनलॉक हो जाएगा और उसको आप अटेंड कर सकते हैं काफ़ी एक्साइटिंग प्राइजेज आपको मिल रहे होंगे वहाँ पर और साथ में पूरे साल का अनअकेडमिक प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगा अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो और मेन चीज़ जब आपको अपना कॉम्पिटिशन दिख जाएगा कि आप किस कॉम्पिटिशन में हो या आपको कितना आता है तो ये चीज़ भी आपको पता वहाँ पर लग जाएगी तो इसे आप जाकर देख सकते हैं दे सकते हैं ठीक है कोई आपको डाउट्स हो आपके प्लस कोर्सेज के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव ठीक है चलो तो आज की हमारी क्लास मुलाकात सिर्फ इतनी थी बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में तो आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा है ना अगली वाली क्लास जो होगी इसमें हम बात करने वाले हैं अपने प्लानर के अकॉर्डिंग जो हमने प्लानर रखा है ना क्या था हमारा प्लानर ये तो इस प्लानर के अंदर आज हमने बात की आपके नॉमल क्लेशर के बारे में हमने बात की आज टेक्सोनॉमी के बारे में बायोडावर्सिटी के बारे में और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में है ना और हैरारती ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें आप किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जिनल स्पेसिस आप बाद में पढ़ोगे नेक्स्ट सेशन में और हम नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की भी हमने कुछ कुछ बात की है आज जैसे कि आपने एरिस्टोटल की बात की आपने कार्ड लेनियस की बात की अब रिसेंटली हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर एच विटेकर ने उसको दिया था तो उसकी हम शुरुआत करते हैं और फिर अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके मोनेरा प्रोटेस्टा के बारे में फंगस के बारे में फिर हम आएंगे प्लांट पर और लास्ट में बात करेंगे एनिमल्स के बारे में दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस चैप्टर काफ़ी मज़ा आएगा इस चैप्टर में ठीक है तो बस बने रहिए बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में तब तक के लिए यार पढ़ाई करते रहें सेफ रहें घर पे रहें बाय बाय टेक केयर और कीप एक्सप्लोरिंग बाय